नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपसे बात की थी कि मैं राजस्थान पहुंच चुका हूं और अब राजस्थान से कुछ जो मुझे समझ में आएगा वैसी चुनाव संबंधी रिपोर्ट्स मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस क्रम में वैसे तो मैं अलवर आया हुआ हूं और अलवर में लोगों से बातचीत कर रहा हूं, लेकिन बीच में फोन पर भी मैं राजस्थान में बहुत जगहों पर विभिन्न मित्रों से संपर्क में हूँ। उन्हीं में से एक मित्र हैं श्री महेश चौधरी जी। ये फ्रीलांस पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आदिवासी मामलों का अध्ययन आजकल कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बहुत विशेष जानकारी दी जो मुझे लगता है कि आपको भी जानी चाहिए और शायद आप इसे पसंद भी करेंगे। जो दक्षिण राजस्थान है वहाँ एक नया डेवलपमेंट हो रहा है जिसके बारे में महेश चौधरी जी ने सुबह मुझे फ़ोन पर बताया और हम लोगों के आपस में तय हुआ कि आज हम लोग इस बारे में बात करते हैं। इस बीच डेवलपमेंट ये था कि वहाँ एक ट्राइबल पार्टी है जो इसी बार इस चुनाव में अपने नाम से आई है। पिछले चुनाव में थी वो, लेकिन वो गुजरात की जो एक ट्राइबल पार्टी है उसके सिंबल पे थी। इस बार उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, अपना सिंबल ले लिया है और पिछली बार उन्होंने 2 विधायक जिताए थे और इस बार वो करीब 16-17 सीटों पर लड़ रहे हैं। अभी महेश जी आपको सारे वृत्तांत उस बारे में बताएंगे। तो जो दक्षिण राजस्थान है और उत्तर आप कह सकते हैं गुजरात है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा होगा, या वो भी पता नहीं दक्षिणी या उत्तरी हिस्सा होगा, अभी पूछते हैं महेश जी से। इन सब में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है और इन सब जगहों में वो अपने सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उनमें चेतना पैदा हो रही है, हुई है। पहले कम्युनिटी के लेवल पर उनमें लीडरशिप भी पैदा हो रही है और वो अपने सवाल बड़े कर रहे हैं। उसका प्रतिनिधित्व करते हुए ये राजनीतिक परिघटनाएं हमारे आपके सामने घट रही हैं जो बड़ी खबरों में या बड़े राजनेताओं के या बड़े राजनीतिक पार्टियों की चर्चाओं में गायब हो जाती हैं। लेकिन ये सब ऐसे डेवलपमेंट हैं जो समाज में ऐसी आबादी के बीच घट रहे हैं जो हाशिए पे रही हैं, जिनकी संख्या रही है लेकिन जिनके आर्थिक सामाजिक विकास में आज़ादी के बाद उस तरह का हमें कुछ देखने को नहीं मिला जैसी कि उम्मीद लगाई गई थी हमारे देश को बनाने वालों ने, संविधान रचने वालों ने और देश के बारे में संवेद तरह से सोचने वालों ने। तो महेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक ऐसे कार्यक्रम में से अपने को खाली किया है। आज वहाँ जो एक स्थानीय पार्टी बनी है उसके जो मतलब कन्वीनर अध्यक्ष कह लीजिए, उनका नॉमिनेशन था और उसी में महेश जी व्यस्त थे, तो इसलिए सुबह से हमारी इनकी बात हो रही थी कि कब हम लोग आपस में बात करें। तो महेश जी बहुत बहुत स्वागत है। तो जरा सा बताएं, नॉमिनेशन वगैरह हो गया, उनका नाम क्या है, पार्टी का नाम क्या रखा है, सिंबल क्या है, और फिर आपसे और सवाल करता हूँ। जी, उनका नाम मोहनलाल रोहत है और वो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सागवाड़ा विधानसभा है डूंगरपुर की, वहां से उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। इस सागवाड़ा विधानसभा से अभी जो विधायक है, अच्छा जी, अभी जो विधायक है राम प्रसाद डिंडोर, वो भी इन्हीं की पार्टी के हैं और आज वो नॉमिनेशन में शामिल भी थे। वही इसके डीएपी के राष्ट्रीय संरक्षक है जी। अरे वाह, अच्छा। तो ये जो पार्टी बनी है, इन्होंने अपने कुछ इश्यूज सामने रखे होंगे, अपने समुदाय को समुदाय के नाम पे इकट्ठा करने के अलावा कुछ इनके सवाल भी होंगे जिन सवालों के पे लोगों की रुचि बढ़ी होगी, इनके समाज की वो सवाल इनके सामने, या उनमें से कभी कई बार कोई प्रमुख सवाल होता है, कोई आरक्षण में किसी विशेष चीज की मांग होती है, आर्थिक सवाल जो होते हैं, ऐसा भी कोई सवाल इनका है जी? मुख्य रूप से जो ये पार्टी बनी है इसका एक बैकग्राउंड है। 2015-16 से एक संगठन है यहाँ पर जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है, आदिवासी परिवार। आदिवासी परिवार तब से सांस्कृतिक और यहाँ के सामाजिक जो मुद्दे हैं आदिवासियों के, उनको लेकर के समाज में काम कर रहा है। तो जब ये पार्टी बनी तो इसके साथ साथ एक लार्जर अलायंस इन्होंने किया जो आदिवासी परिवार था, उसने जो गुजरात का उत्तरी हिस्सा है उस इलाके के जो बीटीपी वहां बनी, छोटू भाई वसावा की जो पार्टी थी,
तो उसके साथ और एक जयेश करके संगठन है मध्य प्रदेश में, जो पश्चिमी दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो लगता है यहाँ से, वहां से वो संगठन है। तो उनके साथ इन तीनों जगहों से मिलकर के इनका एक मुख्य जो मांग है वो मांग है भील प्रदेश की, यानी कि ये तीनों राज्यों से हैं अपने, ये दो चार डिस्ट्रिक्ट करके, और एक थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उस इलाके को ये भील प्रदेश के तौर पे रिकॉग्नाइज चाहते हैं। ये तो भील मुख्य प्रदेश आधार है भील प्रदेश, तो जी। ये तो इस सारी मुहिम का मुख्य आधार है। तो आदिवासी परिवार जब ये काम करता रहा, और 2018 में चुनाव आए विधानसभा के, पिछली बार के जो जी राजस्थान विधानसभा चुनाव थे, तो जी तब इन्होंने अचानक एक निर्णय लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। उस जी वक्त इन्होंने कोई पार्टी रजिस्टर की नहीं थी, तो इन्होंने जो जी छोटू भाई वसा वाली जो स्थापित पार्टी थी बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसके जी सिंबल पर चुनाव लड़ा और दो जी विधायक इनके जीते। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो दो विधायक जीते, उनका एक विधायक का चुनावी खर्च 1 लाख से ज्यादा भी नहीं था। ओ एक एक विधायक ने जो चुनावी खर्च किया वो 1 लाख से भी ज्यादा नहीं था। और पूरा समुदाय कम्युनिटी, मैं आज भी देख रहा था कि लोग अपने ही दम पे अपने ही खर्चों पे आ रहे हैं, अपने से ही सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और जो एक सामुदायिकता से, वो एक जो जिस संस्कृति की बात आदिवासी परिवार यहाँ करता है सामूहिकता की, उस सामूहिकता को इनका ये राजनीतिक उसमें भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो विजुअल्स आज के आप देखेंगे उसमें इनका चुनाव जो इनका चुनाव निशान क्या है? इनका चुनाव निशान है हॉकी और बॉल। अच्छा, हॉकी और बॉल। जी, अच्छा, तो और आज आज इसमें भी जो एक इंटरेस्टिंग ये है कि हॉकी को ये हाँ अपना बहुत पुराना खेल मानते हैं, तो अच्छा ये तो ये मानते कि ये तो हमारा पुराना खेल ही हमारा चुनावी निशान हुआ है। आज कैसी भीड़ भाड़ थी आज जो नॉमिनेशन हुआ है इनकी पार्टी के अध्यक्ष का? जी, भीड़ भाड़ तो अब सब अलग अलग मायने लगाते हैं, लेकिन नॉमिनेशन जो हम देखते हैं वो दृश्य, आप आपको मैं विजुअल्स भेजूंगा, तो उन दृश्यों को जी आप देख करके समझ जाएंगे कि जो और राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो मुख्य नेता, जो जाने वाले नेता होते हैं, उनसे जी कम भीड़ तो नहीं थी, लेकिन संख्या कितनी होगी अच्छा ये मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे मुझे ये बताएं कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनके स्टेक हैं जो बहुत ही मार्जिन पे एक दूसरे को हरा जिता पाती हैं, उनके लिए तो जरूरी होता है कि इस तरह की जो छोटी पार्टियां हों और समुदायों वगैरह से निकलती हों, उनको वो अपनी झोली में रखें। आरएसएस एक आदिवासियों के बीच संगठन भी चलाता है, कांग्रेस में भी उनके नेतागण आजकल बहुत इस बारे में बात करते हैं कि जो लोग हाशिए पर हैं, जो पिछड़ी जातियों के हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, इन सब के प्रतिनिधित्व का सवाल, इन सब की बढ़ोतरी का सवाल, इन सब के आरक्षण का सवाल, इनकी जनगणना का सवाल, इन सवालों को कांग्रेस इस समय बड़ा करने में लगी हुई है। तो इनका क्या रोल है इन पार्टियों के साथ? देखिए, आरएसएस के साथ तो इस संगठन का एक साफ व्यवहार है कि वो हमारे दुश्मन है, यानी अच्छा कंप्लीटली ये आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। ये साफ तौर जी पे इनका हर मंच से, हर जगह से इस बात को साफ तौर पे बोलते हैं। तो ठीक आरएसएस या बीजेपी से तो किसी तरीके का एंगेजमेंट इन लोगों का है नहीं। नहीं ठीक कांग्रेस के साथ जो एंगेजमेंट, अगर कोई संभावनाएं भी बनती है या इस दौरान कोई बात भी हुई है, उसका भी एक बैकग्राउंड है। ठीक ठीक यहाँ पर 2019 में एक काकरी ठीक डोंगरी जगह है जहां पर पेपर आउट होने के मसले को लेकर के यहाँ के युवा प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर ठीक गोली चली प्रशासन की तरफ से और बहुत सारे लोगों को चोटें भी पहुंची और उसमें बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। और ठीक उस वक्त जो राज्य सरकार है, अशोक गहलोत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए इन्होंने जो सूचना ली, और ये कहा गया कि दक्षिणी राजस्थान में नक्सली ताकतें बढ़ रही है। तो अच्छा ये स्टेटमेंट और वो जो सारे केस दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए, उस बात को लेकर के आदिवासी परिवार जो है कांग्रेस से या राज्य सरकार से खफा था। लेकिन ठीक साथ ही ये भी है कि जब पायलट, सचिन पायलट बगावत के मूड में थे, तो इनके जी जो दोनों विधायक है वो सरकार के साथ थे, तो अच्छा इन्होंने एक तरीके से जो बीजेपी के खिलाफ जो पोजीशन लेनी होती है वहां तो पोजीशन ली,
लेकिन सरकार के साथ जो इनका संबंध है वो संबंध थोड़ा सा उसको हम ये कह सकते हैं ना कि लव हेट रिलेशनशिप टाइप, तो वो जो है इन्होंने लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो मुकदमे हटा लिए जाएं। दूसरी बात ये है कि भाई नक्सली क्यों बोला गया उस बात को लेकर के ये खपा है। इन चुनावों के समय एक बातचीत हमें पता चला कि एक बातचीत जो है भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही थी, और वो बातचीत जो भारत आदिवासी पार्टी कर रही थी वो केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कर रही थी, इंडिया अलायंस के तौर पर। और उसका एक कारण ये था कि वो गहलोत सरकार से या अशोक गहलोत से सीधा बात करने की इच्छा नहीं रखते। ये बातचीत आगे भी बढ़ी, जितना हमारे पास सूचना है बातचीत आगे भी बढ़ी, कुछ सीटों का तय भी हुआ, लेकिन आखिर में वो बात टूट गई है और अभी उसकी संभावना कम लग रही है। कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? इन्होंने अभी तक 26 सीटों पे अपने कैंडिडेट वो किए हैं, लेकिन जो फोकस है इनका जो क्लेम है वो 17 सीटें हैं यहाँ टीएसपी एरिया की। तो ये 17 सीटों पे क्लेम करते हैं कि ये 17 सीटें हमारी है, आदिवासी इलाका है ये, तो ये इस पे आदिवासी पार्टी का ही हक बनता है। तो 17 सीटों पे ये सीरियस लड़ रहे हैं, कैंडिडेट इन्होंने 26 पे किए हैं, और 8 से 10 सीटों पे इनका जो कैंडिडेचर है, जो जितना मैं घूमा हूँ इस इलाके में, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, तो 8 से 10 सीटों पे इनका बहुत मजबूत स्थिति है। अच्छा, ये जो हमारे राजस्थान में मीणा जनजाति है, इस जनजाति से हिल जनजाति का कैसा रिश्ता है? देखिए, ये दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति है, और थोड़ा सा हम दक्षिणी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की तरफ अगर घूमते हैं तो गरासिया आते हैं, भील मीणा आते हैं, और फिर मीणा आते हैं। तो मीणा जनजाति एक तरीके से, क्योंकि हम जाति को जिस तरीके से ग्रेडेड इनइक्वलिटी के तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पर जो जनजाति है उसमें भी, या बाकी देश में भी हम देखें तो जनजातियों में भी एक तरीके का हायरार्की या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। यहाँ जितना पिछड़ापन है, या फिर ये कहे कि जितने ज्यादा ये आदिवासी संस्कृति के करीब है, उतने पूरे राजस्थान में जो मीणा जनजाति है वो उतनी आदिवासी संस्कृति को उतना शायद धारण नहीं करती है, वो एक डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, जो सोशल मीडिया वगैरह पर मीणा जनजाति के बहुत सारे लोग एक्टिव हैं और आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, उनके बीच इनका प्रतिनिधित्व है या वो लोग इनको नोटिस लेते हैं कि नहीं? नहीं, उनके बीच तो प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ लोग यहाँ सॉलिडेरिटी के लिए जरूर आते रहते हैं, जो सोशल मीडिया पे आप कह रहे हैं कि एक्टिव है, कुछ ऐसे लोग जो ज्यादा जागरूक है और आदिवासी मुद्दों पे ज्यादा खुल करके जो बात करते हैं और ज्यादा स्पष्ट बात करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी से नहीं जुड़े हुए, वो लोग यहाँ पर सॉलिडेरिटी के लिए आते रहते हैं। तो एक जुड़ाव उस तरीके का है। जैसे कांग्रेस में बहुत से नेताओं के बहुत से इलाके हैं, एक इलाका है जिस इलाके में ये पायलट साहब के पुत्र जो है राजनीति करते हैं और उस समाज में उनका दखल है, एक इलाका है जिसमें या ज्यादा बड़े हिस्से में राजस्थान के खुद मुख्यमंत्री गहलोत साहब का प्रभाव है, जो स्पीकर साहब हैं जोशी साहब उनका भी कई जगह प्रभाव है, तो इस इलाके में इन नेताओं में से या किसी अन्य डोटासरा है उनका अपने समुदाय में और अन्य जगहों में प्रभाव है, तो इस इलाके में कौन से ये नेता है राजस्थान के बड़े नेता जो अपना प्रभाव रखते हैं? ये इलाका सीपी जोशी जी का इलाका है। सीपी जोशी जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उदयपुर से ही हैं, और ये इलाका पूरा जो है सीपी जोशी जी ही, एक तरीके से अगर कहा जाए कि छत्रप कौन है तो कांग्रेस से यहाँ सीपी जोशी है, बीजेपी से यहाँ पहले गुलाब चंद कटारिया हुआ करते थे, और अभी जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है वो भी सीपी जोशी है। तो अब एक बीजेपी से बड़ा चेहरा सीपी जोशी ही देख सकते हैं, तो दोनों तरफ से सीपी जोशी है। अच्छा 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 अच्छा, तो आज तो मैं आपको इससे ज्यादा तंग नहीं करूंगा, लेकिन बीच बीच में हम लोगों की बात होती रहेगी, और विजुअल साहब भेज दीजिएगा तो एडिटिंग करके हम लोग उसको ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आपसे फिर हम लोग इस बारे में और अन्य बारे में बात करते रहेंगे। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।